हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तुहाडा सारिआं दा मेरे इस चैनल मोड लुक बुटीक च। फ्रेंड्स, अज मैं तुहानूं लाइनिंग वाली सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दसांगी। मैं तुहानूं इनविजिबल करना दसांगी सलवार नूं बिल्कुल एक नवें तरीके दे नाल, जो कि तुहानूं बहुत ही पसंद आवेगा तरीका। ठीक है जी, उस तो पहला फ्रेंड्स, जिन्होंने हले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। स्टार्ट कर दें अज की वीडियो। देखो, मैं यह सलवार कट्टी हुई है, ये पटियाला सलवार की तरह कट्टी हुई सलवार है। ठीक है जी, पटियाला सलवार नो 5-6 इंच घट सलवार है यह, तो ये पल्ले आ, ये गुंदे आ, तो यह बैल्ट आ। ठीक है जी, तो हूँ आप लाइनिंग कट्टेंगे। सलवार तो पहला उसी तरीके कट लेनी है जिमें कि तुम नॉर्मल कटते हो बिना लाइनिंग वाली, तो हूँ आप कट्टेंगे लाइनिंग। तो ये वाली ए वाला कपड़ा जोड़ा है मैं 3 मीटर डशीन ली हुई है, सिंथैटिक हुंदा है, तो डाई करवाई हुई है, 3 मीटर लाइनिंग है यह। तो आप उपर इनू रख के कटिंग करांगे। फ्रेंड्स, मेरा टेबल छोटा है इस करके मैं थोनू नीचे खोल के बिछा के दसांगी ताकि थोनू चंगी तरह समझ में आ सके। फ्रेंड्स देखो, मैं 3 मीटर जिहड़ी लाइनिंग लियांदी हुई है उहनू डबल करके बिछा लिया है। ठीक है जी, लेंथ वाइज मैं इनू डबल करके बिछा लिया है इस तरह। तो हुण जिहड़े आपां सलवार दे कुंदे कट्टे सीगे, आपां उहनां नूं चाहे एक एक कुंदा भी तुसीं रख सकदे हो उपर, बेशक दो दो कुंदे जिस तरह आपां कटिंग च करी रही है उही रख के इस तरह सैट कर लेना है। फ्रेंड्स, तुसीं जिहड़ी लाइनिंग है इहनूं आडे तौर पर भी आडे भी लगा सकते हो जिस तरह तुहाडी सलवार की सैटिंग आती है, बट सीधी लगाऊंगे तो ज़्यादा बैटर है। देखो, एक साइड के जिहड़े कुंदे है ये विछ चुके हैं, तो हुण आपां दूसरी साइड के जिहड़े कुंदे है आपां ओह विछाणे है। फ्रेंड्स देखो, दो कुंदे इधर विछा ले, दो उधर विछा ले, तुहाडे लेंथ दे हिसाब दे नाल ते इहदे अर्ज दे हिसाब नाल थोड़े बहुते अगे पिछे हो सकदा है रख्या होया। ठीक है जी, हुण आपां पहलां इहनां नूं सेम इसे उहदे विच कट लैणा, जिस तरह उपर वाला कुंदे हैगे आ उसे शेप दे विच आपां लाइनिंग भी कट कर लैणी है। ठीक है, देखो मैं कुंदियां दी जिहड़ी लाइनिंग आ ये कट ली है, तो हुण आपां इहनां नूं कर देना है इकट्ठा, तो एक्सट्रा कपड़े दे विचों बैल्ट ते पल्लियां दी लाइनिंग भी कट कर लेनी है। फ्रेंड्स, मेरी लेंथ उधर पूरी हो जाएगी, तो फिर मैं जिहड़ा आ वाली साइड हैगी इत्थे मैं बैल्ट कढ लेनी है। तो जिहड़ा ये वाला हिस्सा है हुण आपां इहनूं इस तरह खोल के पल्ले कढ लैणे हैं, पल्लियां दे हिसाब नाल फोल्ड करके इहनूं। फ्रेंड्स, ये डबल कपड़ा करके मैं पल्ले भी उपर बिछा दित्ते हैं। ठीक है जी, हुण पल्लियां दी लाइनिंग भी आपां कट कर देनी है, इहदे नाल ही साडी फुल सलवार दी लाइनिंग जिहड़ी है ये कट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस सलवार की सारी लाइनिंग कट हो गई है, हुण मैं तुहानूं अपने तरीके दे नाल इनविजिबल करके दसांगी कि मैं इनविजिबल किस तरह सिलदी हाँ सलवार। चलदे हाँ मशीन ते। फ्रेंड्स, मैं पहला जिहड़े पल्ले कुंदे कट्टे हुए है दो दो कुंदे लाइनिंग दे नाल कट्टे हुए मैं अद्धी इकट्ठे करे हुए सी, देखो 4 पीस, 2 पीस यह कपड़े दे आ ते 2 पीस यह लाइनिंग दे आ। ठीक है जी, इन्हां नूं ऐसी तरह फड़ लेना है, दो पीसां नूं लाइनिंग नूं एक साइड ते कपड़े नूं एक साइड, ते मैं इन्हां दे आसन चक के जोड़ देने हैं। फ्रेंड्स, इस तरह सिलाई। तो एक गल होर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जिहड़ी आपां इनविजिबल सलवार सीदी है उहदे विच फिर आप दोबारा जे सिलाई उधड़ जाए दोबारा लगाउण दी औखी हुंदी है, इस करके तुसीं पहले ही यह कपड़ा देख के ऐन ध्यान दे नाल सीना है ताकि सारा कपड़ा जिहड़ा है प्रोपर सिलाई च आया होवे, ते आसन दी सिलाई हमेशा डबल कर देनी है। ये देखो, इस तरह करन तो बाद फिर आपां इहनूं खोल देना है। ये देखो, ये हो गई सलवार की सीधी साइड, तो हुण आपां लाइनिंग खोल देनी है इस तरह। ये हो गई
सलवार की उल्टी साइड, ठीक है जी। इस तरह दोनों साइड तो सीन भी इनविजिबल हो गई तो जिहड़ा साडा आसन है वह भी अटैच हो गया। हुण आपां इहदी एक साइड ते जाना है इस तरह, तो हुण आपां इहदे नाल पल्ले रखने है। फ्रेंड्स ये एक पल्ला तो एक लाइनिंग आ, ठीक है जी। ये पल्ले सीधी साइड आ पल्ले की, ठीक है जी। तो फिर इहनू आपां इस तरह चक के इहदे नाल रख देना कपड़े नू कपड़े वाली साइड, तो लाइनिंग जड़ियाँ है ये आले दुआले है, ठीक है जी। इस तरह नॉर्मल आप सलवार नू सिलाई इस तरह लगाई दी है, ठीक है जी। जे आप हुण इहनू इनविजिबल करना है इस सिलाई नू तां आपां जिहड़ी इह पल्ला पल्ले वाली लाइनिंग है सिर्फ लाइनिंग नू चकना है, उहनू आपां ऐसी तरह इधर नू घुमा देना है लाइनिंग वाली साइड, ठीक है जी। कुंदे दी लाइनिंग वाल लाइनिंग होगी पल्ले दी, ते इधर पल्ला आपां इधर ही रहन देना, ते हुण आपां इहनां नू ऐसी तरह सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स देखो ये इस तरह ये उल्टी साइड है सलवार दी, पल्ला कुंदियां दे नाल अटैच हो गया है, ठीक है जी। इधर तो भी इनविजिबल हो चुकी है, तो ये वाली हैगी है सीधी साइड, इधरों भी पल्ला अटैच हो चुका है, ठीक है जी। इस तरह जदों असी हरेक सीन दे विच सलवार नू अटैच करते हैं, हरेक सीन दे विच दोनों चीज़ें अटैच करते हैं लाइनिंग ते, फिर जदों आपां प्रेस करते तो सानू दिक्कत नहीं आती। जिहड़ी आपां अलग लाइनिंग सी के विच सिटदे हाँ तो वह जदों आपां प्रेस करी दी है जां सुकना सुकना पाईदा है कपड़े नू, फिर वह सारी लाइनिंग एक साइड इकट्ठी हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है उहनू तैह लगाउण दे विच भी। फ्रेंड्स हुण अगे भी आपां दूजी साइड भी आपां जिहड़ा पल्ला अटैच करना है इसे तरह करना है। फ्रेंड्स देखो हुण इधरली साइड भी आपां पल्ला अटैच करना है, ठीक है जी। हुण आपां पहलां उपर कपड़ा है तो फिर आपां पल्ला ही रखना है कपड़ा, तो उहदे उपर इहदी लाइनिंग रखनी है, ठीक है जी। इस तरह आपां चारे कपड़े फड़ लए, तो हुण आपां जिहड़ी पल्ले की लाइनिंग है इहनू चक के कुंदे की लाइनिंग वल इस तरह पलट देना है, ठीक है जी। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं पूरा समझ में आ रहा होगा। लाइनिंगा एक साइड हो गई हैं तो कपड़े दोनों ही एक साइड हो गए। हुण आपां इहदी नूं नीचे तक सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स देखो दूजी साइड का पल्ला भी जुड़ गया, ये सीधी साइड आ, ठीक है जी। तो ये उल्टी साइड, ठीक है जी। तो हुण आपां इस तो अगे दूजी साइड के कुंदे जोड़ने हैं। फ्रेंड्स ये अगला कुंदा तो पल्ला आ इस तरह, देखो पहला आपां नॉर्मली रख लेना। मैं नॉर्मली तुहानूं इस करके रखा रही हाँ पहला तां कि तुहानूं समझ में आ जाए कि जिदा असी नॉर्मली बिना इनविजिबल करने लिए रखी दा आ, ठीक है जी। साइडां ते इह इहदी लाइनिंग हो गई तो सेंटर दे विच मेन कपड़ा हो गया, ठीक है जी। पहला आपां इस तरह रख लेना आ, उस तो बाद जिहड़ी ए वाली एक साइड की जिहड़ी हैगी है लाइनिंग उहनूं दूजी साइड की लाइनिंग वल ही कर देना है इस तरह। सारिया जड़िया भी सिलाइया है ऐसी तरह ही लगनिया है। इधरली साइड के पल्लिया के नाल भी आप कुंदे अटैच करने हैं। फ्रेंड्स देखो सलवार की जिहड़ी हरेक सलवार सिलाई हैगी है इनविजिबल हो चुकी है, ये सीधी साइड तो है तो यह उल्टी साइड तो, ठीक है जी। ये दोनों पल्ले कुंदे तो यह पल्ले तो इधर वाले देखो ये आसन यदि सिलाई भी इनविजिबल आ, तो अगे वाली यह सिलाइया भी जड़िया सारिया है यह इनविजिबल है, ठीक है जी। तो हुण लास्ट के विच दूजी साइड का आसन जोड़न नू रह गया है।
हुण आपां पहले इनू सारी सलवार नू इस तरह सीधी करके आसन तक इस तरह ले आना है। दूजी साइड तो भी ये देखो अंदरली साइड जड़ा है ये कपड़ा आ ते उपरली साइड जड़ी है लाइनिंग आ। ठीक है जी, ये देखो ये चार पीस हो गए हैं। हुण आपां की करना है यह सिलाई नू इनविजिबल किद्दां करना है, ये लास्ट वाली सिलाई है, बाकी पूरी सलवार सिल हो चुकी है। हुण देखो ये साइडां ते लाइनिंग पई हुई है, किसी भी एक साइड की लाइनिंग नू आपां चुक लेना है ते दूजी साइड की लाइनिंग वल इस तरह टर्न कर देना है। ठीक है जी, इस तरह इस तरह टर्न कर देना। ठीक है जी, ये देखो फिर आपां इत्थे सिलाई लगा देनी है, सिलाई लगा के उस लाइनिंग नू फिर इधर नू फोल्ड हो जाना है, फिर ये भी जड़ी सिलाई हैगी है ये भी इनविजिबल हो जाएगी। मैं थोनों इत्थे सिलाई लगा के दसदी हाँ। ये देखो हुण इस लाइनिंग नू आपां टर्न कर देना इस तरह, तो फिर जिहड़ी साडी ये भी सिलाई हैगी है ये भी इनविजिबल हो चुकी है दोनों साइड तो। ठीक है जी, तो हुण फ्रेंड्स आपां जिहड़ी ये सलवार का उपरला घेरा हैगा आ रफ सिलाई दे नाल इस सारे घेरे नू आपां अटैच कर लेना एक दूजे दे नाल। फ्रेंड्स मैं सारे घेरे ते इस तरह रफ सिलाई लगा ली है, हुण इह साडे कोल नॉर्मल कपड़ा रेडी हो चुकिया आ। ठीक है जी, हुण सानू बल पाने दे विच कोई दिक्कत नहीं आवेगी। ठीक है जी, ते आपां बेल्ट नू किवें तैयार करना है इनविजिबल। फ्रेंड्स आपां पहला देखो एक साइड लाइनिंग दो ही पीस पए हुए है, एक साइड कपड़ा, आपां पहला इनू ऐसी तरह सिलाई लगानी है। ते आपां सीधा नहीं करना हैगा, पहला आपां इधरली साइड भी ऐसी तरह सिलाई लगा लेनी है। आपां इह सिलाई अपनी चिड़ी जिन्ना रख के उपर जिहड़ी नाला पाउण दे लई जां इलास्टिक पाउण दे लई नेफा भनना है ओना हिस्सा छड के नीचे नीचे सिलाई कर लगा देनी है। ते हुण आपां लाइनिंग नू चुक के एक पल्ले नू दूजी साइड टर्न कर देना। ये देखो ये सिलाइयां जड़ियां हैगियां है इनविजिबल हो गई हैं ये, ते हुण आपां इहदी चिड़ी जड़ी है वह बना लेनी है। फ्रेंड्स आपां उपरों हुण इह नेफा जिन्ना जिन्ना आपां फोल्ड करन लई रख्या होया नेफा फोल्ड कर लेना आ, ते नीचे इहदे बल पा देने आ। बल पाण दी वीडियो हुण मैं नहीं बल पाणे हुण मैं तुहानूं नहीं दसनी, इस दी वीडियो मैं अलग तो बनाई हुई है तुसीं उत्थों देख सकदे हो, मैं उसदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा दूंगी। जे आपां बलां ते लाइनिंग किवें अटैच करनी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा दूंगी, उहदे विच तुसीं देख सकदे हो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद है कि तुहानूं पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि किवें लाइनिंग इनविजिबल करनी है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे मेरी नैक्सट वीडियो के, तद तक दे बाय बाय।